आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसको सुनकर ही हमारा मन धर्म और उत्साह के सागर में डूबता चला जाता है। दिवाली का पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक ऐसा समय काल है जिसमें हम विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक उपाय करके पूरे साल अपने परिवार को खुशियों से भर सकते हैं। दीपावली की रात महारात्रि होती है और इस रात में आप तमाम समस्याओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आर.एन. मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सभी भाई बहनों को। 5 दिवसीय पर्व दीपावली के पूर्व संध्या पर खूब हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत बधाइयां। पंडित जी, सबसे पहले आप बताएं इस बार की दीपावली क्यों खास है, कितनी खास है? दीपावली 5 दिन का पर्व मनाया जाता है जी। पहला जो है धन त्रयोदशी, दूसरा जो है रूप चतुर्दशी। दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इसके बाद गोवर्धन पूजन और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसलिए दीपावली महत्वपूर्ण होता है और महाकाल महानिशा में यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आगे की क्या गतिविधियाँ हैं उसको मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। क्या क्या जानकारी? जैसा अभी आपने पंडित जी कहा कि 5 दिन मनाई जाती है दिवाली, क्यों 5 दिन मनाई जाती है? ऐसा है कि यहाँ पर जो धन त्रयोदशी है, ये जो है त्रयोदशी के दिन जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है। आयुर्वेद के पंडिता धन्वंतरी जी जो है प्रथम सुख कामनाओं के लिए करके अगर किया जाए तो पहला सुख होता हमारे जीवन में स्वस्थ होना। स्वास्थ्य की कामना के लिए धन्वंतरी जी हमको बताते हैं प्रथम सुख सुंदर हो काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो शनिवार के दिन धन जो है हमारा धन त्रयोदशी मनाया जा रहा है, उस दिन हम अपने घर में लक्ष्मी की आगमन के लिए तमाम नाना प्रकार की वस्तुओं को अपने घर में इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, उस दिन ला करके अपने घर में रखते हैं। नाग केसर रखते हैं, सोने चांदी के बर्तनों को भी अपने घर में ला करके रखते हैं। उसके बाद जो है तमाम प्रकार एक अक्षी नारियल होता है, शंख मोती शंख होता है, इस तरह गुंजा होता है, गमल गट्टे की माला होती है, इस तरह की तमाम वस्तुएं जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो यह सब इकट्ठा करते हैं। वह कल जैसे शनिवार को सायंकालीन बेला तक द्वादशी और उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। रविवार के पूरा दिन त्रयोदशी रहेगी। तो कल और परसों 2 दिन जो है हम महालक्ष्मी की पूजन की सामग्री को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा दिन जो होता है रविवार के दिन पूरा दिन हम इकट्ठा करते हैं और 24 तारीख को महालक्ष्मी की पूजन की तैयारी में हम लगे जाते हैं। शाम को 5:32 के बाद अमावस्या लग जाएगी 24 तारीख को और 25 तारीख तक अमावस्या रहेगी। तो 24 तारीख को जो है हम अमावस्या मनाएंगे। अमावस्या में माँ लक्ष्मी के पूजन का जो विधान है वह 2 महाभागों में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण समय है जी। पहला भाग तो सायंकालीन 6:30 से 8:30 तक जी। अगर हम इस लग्न में करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी वृक्ष लग्न में माँ लक्ष्मी की आगमन का शुभ संकेत होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है हमारे लिए वो 11 से 1 बजे तक निशा काल में, उसमें तांत्रिक प्रयोग भी किया जा सकता है। जो बड़े बड़े लोग अपने घरों में जो महालक्ष्मी की आगमन के लिए तैयारी करते हैं, तंत्र की आराधना करते हैं, उसमें पूजा करने का विधान है। महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए जो है तो सर्वप्रथम भगवान नारायण ने महालक्ष्मी का पूजा किया था बैकुंठ में। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया कि प्रथम पूजा माँ भगवती का माँ लक्ष्मी का पूजा किसने किया था, तो नारायण ने बैकुंठ में किया था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने किया था, शिव जी ने किया था। मृतलोक में क्षीर सागर में भगवान ने स्वयं माँ लक्ष्मी का पूजन किया था, उसके बाद सारे देवताओं ने किया था और उसके साथ साथ जो है क्षीर सागर में जो है लक्ष्मी का पूजन स्वयं भी मनु और शत्रुपा ने भी किया था, उसके बाद ऋषियों ने किया था और सदगृहस्थ भी माँ लक्ष्मी का पूजन किए थे और तभी से माँ लक्ष्मी का पूजन का विधान हमारे यहाँ माना जाता है। जैसे जो लोग पूजन करते हैं तो अपने घर में हल्दी और केसर का छींटा
लगाते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए। माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ हम गणेश का पूजन करते हैं, गणेश का पूजन के साथ नारायण का भी पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं और उनके अधिपति जो हैं भगवान शिव का भी पूजन करते हैं। सारे पूजन करने का विधान है। जिस तरीके से लक्ष्मी के आगमन के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। गणेश की पूजा, गणेश विवेक के देवता होते हैं। धन को प्राप्त करने के बाद हमारा विवेक जागृत रहे, हम अनीति मार्ग पर न जाएं, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजा किया जाता है। और माँ लक्ष्मी तब खुश होती है जब नारायण का पूजा होता है। भगवान विष्णु का पूजा करने के बाद जो है माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। कुबेर का पूजन करने के साथ साथ, क्योंकि भगवान शिव के खजांची हैं, तो कुबेर का पूजन करने के साथ साथ शिव का पूजा करना आवश्यक होता है। ये सारी पूजा हमारे जीवन में सुख समृद्धि होती है। और यहाँ पर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं, कि सूर्य जगतस्थ प्राण, सारे संसार को सूर्य प्राण शक्ति प्रदान करते हैं। तो कुमकुम और केसर के माध्यम से, गोरोचन के माध्यम से पूजन करने जाते हैं। पंडित जी, लक्ष्मी पूजन का विधान क्या है? लक्ष्मी पूजन का विधान में जैसे हमने बताया कि लक्ष्मी पूजन के लिए माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि का कारक होता है लक्ष्मी पूजन के लिए। और लक्ष्मी पूजन के लिए कौड़ियों का पूजन, जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन जब करते हैं तो कौड़ी है, गुंजा है, श्यार सिंगी है, हत्था जोड़ा है, ये ला करके हम पूजन करते हैं, माँ का प्रतीक पूजन मान करके करते हैं। मिट्टी के चित्र के माध्यम से हम माँ भगवती का पूजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी का जो लोग करते हैं प्रतीक के रूप में, ये बहुत सुख समृद्धि का कारक बनता है। इस तरीके से कुबेर का पूजन करने का विधान होता है। और उसके पूजन का अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे पूजन में हम आवाहन करते हैं, पंचोपचार उनका पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम अनित पूर्वक धन न अर्जित करेंगे और न गलत रास्ते पर धन को खर्च करेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। आगे आप पंडित जी, दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, सूर्य ग्रहण वैसे सायंकाल 25 तारीख को सूर्य ग्रहण का कार्यक्रम है। सूर्य ग्रहण जो है भारत वर्ष के अलावा अन्य देशों में, स्पेन में, नेपाल में, भूटान में, जर्मनी में इत्यादि देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण सायंकालीन 2:32 से लेकर के 6:39 तक चलेगा। ये ग्रहण सूर्यास्त 6:13 पर होगा भारत में, और सूर्यास्त के बाद तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ग्रहण का जो मोक्ष समय रहेगा वो दूसरे दिन जो सूर्योदय के समय ग्रहण का दर्शन, सूर्य का दर्शन करके ग्रहण का मोक्ष होता है। और लोग गंगा में स्नान करके या अपने निकटवर्ती नदियों में या घर में कहीं पर भी स्नान करके सूर्य का अर्घ देंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। ग्रहण के समय बड़ा महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने खाद्य पदार्थ अपने घरों में रखते हैं सूतक लगने पर, तो प्रत्येक वस्तुओं में तुलसी का पत्र और कुश अगर रख देते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है, जल है, कहीं पर भी, तो तुलसी का पत्र और कुश रखने से वो शुद्धिकरण बना रहता है। ग्रहण के बताया जाता है स्वाति नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और स्वाति का स्वामी राहु होता है और राहु की पोजिशन जो होती है, ये ग्रहण जो लग रहा है तुला राशि पर, और तुला राशि पर चार ग्रहों का योग है, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है और केतु है, राहु द्वारा दृष्ट है सूर्य, और शनि के द्वारा भी सूर्य का दशम दृष्टि शनि द्वारा पड़ रहा, तो सूर्य और शुक्र दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम राशियां जो शुक्र से संबंधित हैं, सूर्य से संबंधित हैं, इनको इनके लिए बहुत कष्टकारक रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति भी जो है देख रहे हैं, गजकेसर योग के रूपरेखा बनती है, क्योंकि बृहस्पति बकरी होकर के नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो सहानुभूत तो बन रही है, लेकिन फिर भी आपत्ति काले में जो है इस समय का ग्रहण जो होगा ये बहुत बड़ा राजनीति में उतार चढ़ाव देगा और तमाम प्रकार की जो है शासन सत्ताएँ जो हैं यह हमारे यहाँ बड़ा परिवर्तन होगा, ये ग्रहण का सूचक बनेगा। उसके बाद जो है ग्रहण में और भी जानकारी आप लेना चाहती हैं तो बोलिए, उस विषय पर भी चर्चा करें। जैसे पंडित जी, कहा जाता है दिवाली की रात कार्तिक अमावस्या की रात होती है, हाँ। तो इस रात को तंत्र पूजा के रूप मतलब अनुकूल माना जाता है। जी हाँ, जी हाँ।
देखिए महारात्रि काल रात्रि ये रात्रि तीन रात्रियां होती हैं माँ भगवती की जो है निशा रात्रि महारात्रि कहा जाता है। उस समय तंत्र का पूजा लक्ष्मी की आराधना करने कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जो लोग लाल मूंगे की माला से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, हल्दी की माला से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती चली जाती है। और अगर इस वाले की माँ लक्ष्मी के पूजन करने का जो विधान है ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः और या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों के माध्यम से जो आराधना करता है माँ भगवती का, माँ भगवती उसके घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। और इसके साथ साथ तमाम प्रकार की और भी उपलब्धियां मिलती हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में कौड़ी के माध्यम से, गुंजा के माध्यम से, श्यार सिंही के माध्यम से भगवती की आराधना करते हैं, काली हल्दी के माध्यम से भगवती की आराधना करते हैं, तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आगे की पंडित जी हमारे दर्शकों को गोवर्धन और भाई दूज की कुछ जानकारियां दें। जी हाँ, भाई दूज देखिए दूसरे दिन जो है 26 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन का पूजन होता है। अन्नकूट में गोवर्धन में गौवंश का हम पूजन करें, गाय का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी विशेष महत्ता बताई है और समय के अभाव के कारण हम ज्यादा चर्चा न करके आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा कि धन धान समृद्धि के लिए हम अन्न की एक ढेरी बनाते हैं और उसमें पूजन करते हैं, अन्नकूट जिसे कहा जाता है, और गोवर्धन गाय को पूजन करें और गौवंश का पूजन करें, इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि होती है। ये अन्नकूट गोवर्धन मनाया जाता है। उसके बाद जो है दूसरे दिन 27 तारीख को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। भैया दूज में कहा जाता है कि यम द्वितीया जिसे कहा जाता है, सूर्य नारायण की पत्नी जो थी वो संज्ञा थी, संज्ञा के दो संतान थे, एक यमराज और दूसरा यमुना। संज्ञा सूर्य के तेज को बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपना छाया का स्वरूप बना करके अपने आप को अंतर ध्यान हो गई थी और छाया सूर्य के पत्नी के रूप में रही। छाया के माध्यम से ताप्ती और शनिश्चर का जन्म हुआ था, जो कि शनिश्चर के जन्म के बाद और उसके बाद जो है अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम और अमुना का विमाता सा व्यवहार देखने के कारण यम जो है यमपुरी में जाकर के अपना निवास बना लिया और वहाँ पर निवास बना करके जो लोग पापी हैं उन्हें दंड देने के लिए, कठोर दंड देने के लिए यमपुरी में उनका निर्णायक व्यवस्था बनाई गई। इधर यमुना जो है वहाँ से हट गई, फिर यम ने यमुना की खोज किया और यमुना की खोज करने के बाद जब यमुना का पता चला तो यमुना के पास इसी भैया दूज के दिन जाकर के बहन के घर भोजन किए और यमुना ने भाई से ये प्रार्थना किया और वरदान मांगा उन्हें भोजन कराने के बाद कि जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करके भैया दूज के दिन अपने भाई की कामना करता है और बहन से प्रेम करता है तो उस भाई को किसी भी प्रकार के कष्ट मत दें यमराज। तो यमराज ने संकल्प किया था कि कोई बात नहीं, अगर आप यमुना जी में स्नान करने के बाद, मथुरा के अंदर यमुना का पूजन करने के बाद कोई भी व्यक्ति भैया दूज में हमारे सानिध्य में आता है या भाई बहन का प्यार बढ़ता है तो मैं उस भाई को यम के कठोर दंड से मैं वंचित करूंगा। इस तरह से भैया दूज का पर्व मनाया जाता है और बहनें भाई को प्यार करती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं, उनके मथे पर तिलक लगाती हैं, ये भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। पंडित जी इस दिवाली ऐसा क्या किया जाए कि पूरे साल धन संपदा का अभाव ना हो? जी हाँ, इसके लिए सबसे पहला तो बात है कि हम अपने घर में नाग केसर लाएं और एक अच्छी नारियल लाएं और जो है स्फटिक शिवलिंग लाएं, स्फटिक शिवलिंग पारद शिवलिंग के ला करके पूजन करें और श्री यंत्र का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें, ये विशेष महत्व चीजें हैं। और अपने घर में एक पोटली में कौड़ी को रखें, गुंजा को रखें, पोटली में बांध करके अपने घर में रखें
और माँ लक्ष्मी के पूजा के स्थल पर उनका पूजन करें, काली हल्दी के माध्यम से पूजन करें, हल्दी का टीका लगाएं और हल्दी अपने जीवन में उपलब्ध करें, माँ ज्योत का तेल का दीपक जला करके जो है माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। विशेष चीजें पंडित जी, वासुदोष एक बड़ी समस्या होती है, वासुदोष का निवारण कैसे किया जाए? वासुदोष के निवारण के लिए देखिए, वासुदोष तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर वास्तुदोष न हो, लेकिन उसके निवारण के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह आशीर्वाद दिया था, भीष्म पितामह ने कहा था कि हमारा ऐसे जगह पर चिता बनाया जाए जहाँ पर शुद्ध जगह, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारी पृथ्वी कहीं ना कहीं दोष तो है ही है, हम आप मकान बना करके रहते हैं तो उस मकान में कोई ना कोई दोष रहता है, तो उसके निवारण के लिए वास्तु पूजन कराने का विधान होता है। अगर मान लीजिए हमने वास्तु पूजन नहीं किया या हमारा व्यवस्था जल तत्व में जल का प्रयोग नहीं हुआ, अग्नि तत्व में अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ, तो उसके लिए विधान है, हम घर के दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह रखें और पिरामिड रखें अपने पास बना करके जो है, और तमाम प्रकार के श्रीयंत्र रखें अपने घर के अंदर जो है, और वास्तुशास्त्र से संबंधित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो घर में रखें तो उसका जो है निवारण होगा। मकान के अंदर न्यू के अंदर जो है नाग नागिन का जोड़ा बना करके रखें और यंत्र रखें, वास्तु पूजन का रखें, वास्तु देवता का आवाहन करना बहुत आवश्यक होता है, जब ग्रह में प्रवेश करें तो उसके पूजन करने का विधान है, ऐसा कर लेते हैं तो वास्तु देव दोष से हमें मुक्ति मिलती रहती है। पंडित जी, दिवाली के अवसर पर प्राइम टीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिवाली के अवसर पर प्राइम टीवी के जो दर्शक हैं इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे और ये धन धान से परिपूर्ण हो, इनके यहाँ खुशियाँ प्रदान हो। मैं भगवती से प्रार्थना करूँगा कि इनके जीवन में संपन्नता आए, सुखी आए, ये सब यहाँ के स्टाफ, यहाँ के दर्शक सब लोग सुख समृद्धि से बढ़ें, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और आगे की प्रगति निरंतर इनकी होती रहे। धन्यवाद पंडित जी आपका। तो ये थे पंडित आर.एन. मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी के जीवन में दीपावली सुख समृद्धि लेकर आए। खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।